गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, आपका जो आठवां लेसन है, ऐसे ऐसे एक एकांकी है, यह हम पढ़ रहे थे। वो जो एक छोटा सा बच्चा था मोहन, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बोलता कि मेरे तो पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसको पूछा जाता है कि दर्द हो रहा है तो मना करता है, गुड़गुड़ हो रही है तो भी मना करता है, लेकिन मेरे तो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठते हैं। वहाँ पे उसके मम्मी और उसके पापा दोनों बैठे हुए हैं, पास में फ़ोन की घंटी बजती है, तो मोहन के जो पिताजी हैं वो उठते हैं। पिता ये दे रखे हैं, देखिए इसमें 43,332, यह 43,332 है, ये एक नंबर दिया हुआ है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ 43,332। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। यानी डॉक्टर का और उसके जो पिताजी थे मोहन के, उन दोनों की बातचीत हो रही है यहाँ पे। वो नंबर बता रहे हैं, तो हो सकता है ये नंबर पर्ची के हों, जैसे आजकल फ़ोन पे बात हो जाती है ना हमारी डॉक्टरों से, उसी प्रकार से। तो आगे देखिए, इसमें हो सकता है ये लैंडलाइन के फ़ोन नंबर हों। ठीक है, आपको इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, इसके पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। किसने कहा? उसके पिताजी ने कहा, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाश्ता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। ये देखिए, सवाल कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे पूछ रहा है कि उसका चेहरा कैसा है, वो दस्त तो नहीं गया है? तो उसने कहा है कि नहीं, दस्त तो नहीं गया, लेकिन उसको क्या आया है, पेशाब आया था, यानी पेशाब गया था। रंग तो नहीं देखा? जी नहीं, पेशाब आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, जो हम कान के लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, देखिए यहाँ पर पड़ोसी था दीनानाथ, उसका प्रवेश हो जाता है। मोहन जोर से कहराता है, यानी मोहन जोर से परेशान हो जाता है, कहराता है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मोहन माँ माँ ओ उल्टी आती हैं, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। यानी उसको वो कहराता है, परेशान होता है और उसको उल्टी आती है, माँ उसका सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय 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 हाय, आप लोग भी करते हो, बीमार हो जाते तो मेरे क्या हो गया मम्मी है, करते हो? नहीं करते, समझदार बच्चे हो ना। तो उसने वो इस तरीके से कर रहा था, माँ कमर सहलाती हुई, सहलाना यानी कमर पर हाथ फेरना। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। यानी मोहन है ये कभी भी लेटने वाला बच्चा नहीं है, हमेशा ये सर पे ही घर को उठाए रखता है, लेकिन अब वो परेशान है, इसलिए वो क्या कर रहा है, लेटा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, दीनानाथ बोलता है, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार की रहता है। गुलजार यानी फूलों से सजा हुआ होना, गुलजार का मतलब फूलों से सजा हुआ, यानी खुशनुमा माहौल रखता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इस
के मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी मोहन हो वो कैसा है, नटखट है बहुत ज़्यादा, और वो इधर उधर बच्चों के साथ शैतानी करता हुआ घूमता रहता है। पिता, उसके पिताजी बोलते बड़ा नटखट है, यानी बड़ा शरारती बच्चा है, नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। माँ कहती कि देखिए ये कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा, मुझे डर लग रहा है कि कल ये स्कूल किस प्रकार से जाएगा। कौन कह रही है? माँ कह रही है कि इसकी तबीयत है इतनी ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये स्कूल किस प्रकार से जा पाएगा, जा कहीं ज़्यादा न तबीयत ख़राब हो जाए। आगे देखिए, दीनानाथ। दीनानाथ कौन था भाई? दीनानाथ उनके पड़ोसी थे ना, तो दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, यानी बड़ी परेशानी है। तकलीफ का मतलब परेशानी, परेशानी है ना, तो आपको समझ में आ गए तकलीफ का मतलब परेशानी। तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह है कुछ समझता नहीं है, यानी यदि कोई छोटी प्रॉब्लम होती तो ये इतनी तरह से परेशान नहीं होता इस तरह से, या खाट में जैसे लेटा हुआ है इस तरीके से नहीं रहता। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। किसने कहा? दीनानाथ जी ने कहा कि मैं वैद्य जी को बुला के आया हूँ और वो वैद्य जी आ रहे हैं, वो आपको जल्दी ही ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कह रहा कर यानी जोर से, अरे अरे रे ओहो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, वो फिर वही बोलता है कि मेरे ज़ोर से ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? माँ फिर पूछती है उस मोहन से कि ऐसे क्या है, ऐसे क्या हो रहा है, आप बताइए। मोहन, ऐसे पेट दबता है, ऐसे पेट दबता है। आगे देखिए, वैद्य जी का प्रवेश। अब कौन आ गए हैं? वैद्य जी आ गए हैं, तो वैद्य जी का प्रवेश है यहाँ पर। वैद्य जी ने प्रवेश किया कमरे में। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। जैसे ही हमारे घर पर कोई आता है तो नमस्ते वगैरह करते हैं ना, तो डॉक्टर ने, जो वैद्य आया था, उसने कहा जय राम जी की, यानी सभी को नमस्कार किया। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? किसने कहा? वैद्य जी ने। कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? यानी खेलने से जी भर गया क्या तुम्हारा? अब कोई धमाचौकड़ी यानी खेल नहीं खेलोगे, धमाचौकड़ी नहीं करोगे? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी हैं, वो बच्चे से बात कर रहे हैं कि क्या खेल नहीं खेलना, तेरे को धमाचौकड़ी नहीं करनी है, तू इस प्रकार से किस कैसे लेटा हुआ है। और वो कुर्सी को मोहन के पास खिसका कर बैठ जाते हैं। पिताजी, किसके? मोहन के पिता बोलते, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसने कहा कि वैद्य जी ये जब तक ऑफिस में था तब तक ठीक था, लेकिन रास्ते में इसने आकर कहा कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है और मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। किसने कहा? पिताजी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो दर्द है यह किस प्रकार का है। आगे देखिए इसमें, तो ये वैद्य जी क्या वैद्य जी हैं। आगे वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबा कर, नाड़ी यानी हाथ पकड़ कर कह रहे हैं कि अभी ये क्या है, बता दूंगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, नाड़ी पकड़ कर यानी हाथ पकड़ कर, वात का प्रकोप है, वात, पित्त, आपने सुना है कभी पित्त? पित्त का प्रकोप यानी प्रभाव, प्रकोप का मतलब प्रभाव, किसका प्रकोप है? वात यानी पित्त का प्रभाव है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ,
पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु भर गई है, क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। कौन सिकोड़ता है ऐसे? वैद्य जी सिकोड़ते हैं, ठीक है ना। वैद्य जी क्या कर रहे हैं, वो इस प्रकार से उसको जांच करते हैं कि अभी बता देता हूँ, चेक कर रहे हैं कि बच्चा नहीं समझ पाता है, वात का प्रकोप बताते हैं, फिर उसके पेट पर हाथ फेरते हैं, जीभ देखते हैं, वायु, वायु का मतलब गैस, बन गैस हो जाती है ना कभी कभी पेट में, सर में दर्द हो जाता है, आपने देखा होगा। और हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं तो बोलते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन कहरा कर, जी हाँ, ओहो, ओहो का मतलब दर्द हो रहा है ना उसको, इसलिए। तो मोहन बोलता है हाँ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आगे पढ़ेंगे। ओके।